हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ पर दिया गया है 3√log2√3 −2√log3√2। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, यहाँ पर कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं? लेट क्या मानते हैं? 3√2a, ठीक है। 3√2a हमें यह मानते हैं और इसका वैल्यू हम इसी में रखते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया है 3√2a, तो यहाँ पर हम रखते हैं। सबसे पहले देखिए 3 है, 3 में हम नहीं रखते, पहले हम इसमें रखते हैं। तो 3√log, यहाँ पे 3√2 दिया है, 2a, तो यहाँ लिख सकते हैं 2a, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ लिख देते हैं 2 −2√log। देखिए 3 है, 3 के जगह हम लिख सकते हैं 2a और √2। अब इसके आगे देखिए एक फार्मूला है, क्या जानते हैं क्या है? कि अगर दिया है log b√a(x), तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x log b√a। इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3√। देखिए ये इसका a√x था तो अपॉन में हो गया था, इसी तरह 2a है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a। फिर लिख सकते हैं log√2 −2√, और a देखिए ये आगे आ जाएगा तो हो जाएगा a log√2. अब इसी तरह 3 1/a, रूट में हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 1 होता है, −2√a, इसका भी वैल्यू 1 होता है। अब इसके आगे देखिए, हमने माना था, क्या माना था? कि 3√2a, तो यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2a√1/√a −2√a। अब पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a√1/√a −2√a। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, a√1/√a, इसको रेशनलाइज करने के लिए √a और √a ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? तो ऊपर हो जाता है a√a, और नीचे क्या हो जाएगा? √a√a मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा a कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √a। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2√a −2√a। देन देखिए ये सेम है, 2√a −2√a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। यही हमारा राइट आंसर है।